अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिक्स वेज बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें सब्जियों को फ्राई करना है। इतना ऑयल गर्म हो रहा है, मैं आपको सब्जियाँ दिखा देती हूँ। 2 गाजर लेके मैंने उन्हें कट कर लिया है, 2 बड़े आलू लेके उन्हें भी कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ शिमला मिर्च लेके उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, 1/4 कप बीन्स है, 8 से 10 फूल गोभी के हैं, 1/4 कप मटर है, 100 ग्राम पनीर है। ऑयल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले आलू और गाजर को फ्राई करेंगे। आलू और गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए हम पहले इन दोनों को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, बाकी की सब्ज़ियाँ बाद में ऐड करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गई है, गोभी ऐड कर देते हैं, 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे। देखिए गोभी को फ्राई करते 1 मिनट हो गई है, इसमें ऐड करेंगे बीन्स। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, साथ ही ऐड करेंगे शिमला मिर्च और पनीर, इन्हें भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च और पनीर बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसलिए हमने इन्हें सबसे बाद में ऐड किया है। देखिए पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया है, सारी सब्जियों को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गई है, सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है, ये 90% तक कुक भी हो गई है। सभी सब्जियों को हम निकाल लेंगे। फ्राई करने से ना सब्जियाँ बहुत टेस्टी बनती है। देखिए मैंने सभी सब्जियों को निकाल लिया है, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। वैसे तो बच्चे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते, अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी। जो बाकी का तेल बचा है उसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उन्हें बारीक कट कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची को मैंने कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। मिर्ची और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़ी फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक भूनेंगे। देखिए लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है, इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी बनती है, आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करिएगा। साथ ही ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, मैंने 2 बड़े टमाटर लेके उन्हें पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। मुझे सब्ज़ियाँ थोड़ी तीखी पसंद होती है इसलिए मैंने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा ऐड की है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें ऐड करेंगे मटर, ये फ्रोज़न है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्राई करते हुए मटर भी फ्राई कर लें। जब हमने सब्जी फ्राई की थी ना तो तभी हम मटर को भी फ्राई कर लेंगे जिससे वो थोड़ी पक जाएंगी। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए मटर को मसाले में पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गई है, सब्जी ऐड करेंगे, सभी सब्जी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, कवर कर देते हैं। देखिए सब्जी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गई है, खोल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ये अच्छे से कुक भी हो गई है। अगर आपकी सब्जी अच्छे से नहीं पकी है तो आप थोड़ा पानी और ऐड करके इन्हें और पका लें। इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मलाई,
आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अगर आपको क्रीम या मलाई पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मलाई ऐड करने से ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगी और बच्चे भी खुश होके खाएंगे। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मिक्स वेज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।